हेलो एवरीबॉडी टुडे वी विल बी डूइंग क्वेश्चन नंबर सिक्स फ्रॉम एक्सरसाइज एट बी चैप्टर एक्सपोरेंट क्वेश्चन इज वी हैव टू सिंप्लीफाई द फॉलोइंग द फर्स्ट वन इज थ्री रेज टू द पावर फाइव दिस होल रेज टू द पावर टू इंटू सेवन क्यूब डिवाइडेड बाई ट्वेंटी सेवन रेज टू द पावर थ्री इंटू सेवन इसको हम कैसे सिम्प्लीफाई करेंगे ठीक है सो सबसे पहले मैं क्या करूँगी इस वाले पे मैं कौन सा लॉ अप्लाई करती हूँ ये वाला लॉ अप्लाई करती हूँ ठीक है बिकॉज आई नो इफ़ ए रेस्ट टू द पार एम दिस होल इज रेस टू द पार n तो उसमें क्या हो जाएगा बेस लगाएंगे और पार्स को मल्टीप्लाई कर देंगे सो so, बेस लगाई मैंने पार को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे फाइव टू जो टेन राइट सेवन का क्यूब डिवाइडेड बाय अब ट्वेंटी सेवन को मैं इसके प्राइम फैक्टर्स में लिखती हूँ थ्री नाइन जो ट्वेंटी सेवन थ्री थ्री ज नाइन थ्री वन ज थ्री दैट मीन्स ट्वेंटी सेवन को मैं कैसे लिख सकती हूँ थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री राइट इसके ऊपर मैंने पूरी पावर लगा दी कितनी थ्री की पावर लगा दी इंटू सेवन ये कितना हो जाएगा थ्री रेस्ट टू द पार टेन इंटू सेवन क्यू डिवाइडेड बाय दिस विल बी थ्री के ऊपर कितनी है ये वन टाइम्स थ्री कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है वन टू थ्री दैट मीन्स मैं थ्री के ऊपर क्यूब लगा देती हूँ ये थ्री लगा देती हूँ ठीक है क्योंकि कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है वन टू थ्री इस पूरे पर आई पुट अ पावर ऑफ थ्री अगेन ये वाला क्लियर ठीक है पहले मैंने इसको क्या करा ये वन टू थ्री थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है थ्री तो मैंने इसी थ्री पे एक पावर लगा दी थ्री की फिर इस पर पहले से जो थ्री है वो लगा दिया इन टू सेवन अभी क्या हो जाएगा थ्री टू द पावर टेन डिवाइडेड बाय थ्री टू द पावर अगर ऐसा कोई नंबर है जिसके ऊपर दो पार्स है तो क्या करते हैं हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो थ्री इंटू थ्री मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया इन टू सेवन रेज पार थ्री डिवाइडेड बाय सेवन ठीक मैंने क्या करा है बस दोनों जो सेम बेस हैं वो उधर ले लिया जो सेम बेस है उनको अलग कर लिया थोड़ा सा राइट अब मैं कौन सा लॉ अप्लाई करूँगी आई अप्लाई द सेकेंड लॉ ठीक तो सेकेंड लॉ में क्या है वेन वी हैव टू नंबर्स विथ सेम बेस डिफरेंट पार्स जो डिविजन का साइन होता है तो क्या होता है बेस लगाते हैं और दोनों की पार्ट्स को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं टेन माइनस थ्री थ्री ज नाइन इंटू सेम आई डू है सेवन बेस आ गई दोनों की पार्ट्स जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी दिस विल बी वन इंटू सेवन टू द पावर टू क्लियर है सो द आंसर विल बी 3 into 7 to the power 2. Okay, here we complete A part. Now we'll move on to the B part.